और सुनो सब बढ़िया, तुम्हारा भी भरोसा उठ गया इंसानियत से? ये बचा हुआ है कुछ भाई गड़िया, इतने हरामी लोग हैं। और मैं पता है मैं कहता हूँ कभी भी गिव अप नहीं मारना चाहिए, कभी होप लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ना दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, इसलिए होप हमेशा रहनी चाहिए, होप रहनी चाहिए, होप। neogany.com/shop link in description bro. You can't blame me man. मैं बस ये तुम्हें देता हूँ कि जिंदगी में होप रखनी चाहिए, बट ताली दुनिया इतनी हरामी हम क्या कर सकते हैं। मतलब सुना तुमने ICAI क्या हो रहा है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर रहे हैं यार। मतलब बच्चों का जन्म से अधिकार है, अगर उन्हें डाउट है कि प्रॉपरली पेपर चेक नहीं हुए तो वो डिमांड कर सकते हैं हमारे पेपर रीचेक करो। तुम करो ना करते क्यों नहीं, हम भी परेशान हो गए वो भी परेशान हो गए, कर ही नहीं रहे, साले प्रोटेस्ट पर बैठे हुए स्टूडेंट्स, और इनके कान में जू नहीं रहेंगी भाई साहब। राहुल गांधी यार, राहुल गांधी सपोर्ट में आ गया, सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं, आम आदमी पार्टी का एक और लीडर राघव चड्ढा भी इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर चुका है। मतलब ट्वीट तो किया ही किया है, वो बच्चों के साथ प्रोटेस्ट भी कर रहा है। और देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं है, तुम में से आधे ज्यादा ही होंगे मेरे से पढ़े लिखे, बट सही गलत की जान पहचान तो है। सिंपल सी डिमांड है, पेपर दोबारा सही से चेक होना चाहिए, क्योंकि तुमने पहली बार सही से चेक नहीं किया। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हमने सही से चेक किया है तो कुछ चेंजेस तो होंगे, तो कर लो दोबारा चेक, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो। साले न्यूज में हर जगह छा रहा है, बंदे इतनी लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं, मुझे पता था कि क्या प्रोटेस्ट कुछ हो रहा है, बट क्यों हो रहा है ये नहीं पता था, और इतनी छोटी सी बात के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है स्टूडेंट को। neogany.com/shop link in description bro. हाँ एक लाइन बोलने के लिए मैंने टी शर्ट बदल ली, और प्लस ये अमेजिंग डिजाइन है, लोगों को लगता है ईबे से सिमिलर है, नहीं ये ओरिजिनल डिजाइन है, मैं कॉपी नहीं मारता, हम ओरिजिनल। चल बट अगेन मैं भटक जाता हूँ प्लग मारने के चक्कर में, बट पॉइंट मेरा ये है यार, हम कितना भी मजाक उड़ाए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कि उनको पूरी जिंदगी लग जाती है पास होने में, बट हम सबको कहीं ना कहीं पता है ये एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, और वो लोग अपनी जी का दम लगा के मेहनत करते हैं इस काबिल बनने के लिए, और इन दी एंड वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और हम कितना भी मजाक बनाए दिल में बड़ी इज्जत है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सीए हैं, और मुझे पता है उन्होंने कितनी मेहनत करी उस चीज़ के लिए, मेरे बोलने से कुछ होता है तो डेफिनेटली हाँ मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ हूँ, और अगर तुम उन स्टूडेंट में से हो जो प्रिपेयर कर रहा है या इस प्रोटेस्ट में पार्ट कर रहा है, मैंने नहीं कहा, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था, जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा उसे बचाने के लिए कोई ना कोई मसीहा जरूर आएगा, तुम्हें बस होप रखनी है अपनी लाइफ में, होप रखनी है। neogany.com/shop link in description All in all, what I'm saying is, अगर मेरी आवाज से किसी को भी कोई फर्क पड़ता है, just recheck the paper, थोड़ा सिस्टम सही कर लो। अगर बच्चे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में उतरे ना, तो उसके पीछे एक ना एक रीजन है जो तुम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हो, बट हाँ फिक्स करना तुम चाहते नहीं। आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स एंड लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, एंड अगेन मैं को एक्चुअली जितना पता है मैंने सिर्फ उतना बताया, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, so, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं मिस आउट कर गया, फील फ्री टू लेट मी नो मैन, कमेंट करो बताओ मुझे। कितने खराब लोग हैं दुनिया में, एक तो ये है बहन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट वाले, और दूसरा ये मीडिया वाले, बड़े हरामी लोग हैं यार। अभी सुना तुमने क्या हुआ भाई के साथ, अपने भाई को गुस्सा दिला दिया, सलमान भाई को, इतने सज्जन पुरुष मतलब एक बार जंगल गए थे, ये सिर्फ जोक है, नाराज नहीं होना गुस्सा नहीं होना, पाप लगे तुम। एक दिन जंगल गए थे भाई साहब, रेस हो रही थी हिरणों की, एक सबसे आगे भाग रहा था और छोटे वाले को हेल्प नहीं मिल रही थी, तो उसने आगे वाले को गोली मार दी, और फिर दूसरा हिरण पहुंच गया वहां पे, दोस्ती कहते से दूसरे की हेल्प करना। मतलब इतने सज्जन पुरुष है ना कि जब वो रोड पे गाड़ी चलाते हैं, वो रोड पे चलाते नहीं कि ट्रैफिक ना रुके या लोगों को प्रॉब्लम ना हो, फुटपाथ पे चला देते हैं, इतने सज्जन पुरुष। ये मीडिया वालों ने गुस्सा दिला दिया, गुस्सा ना, कुछ स्थानीय टाइटल बनाना था मुझे, इसलिए भी ये कवर करनी पड़ेगी स्टोरी। रिक्वेस्ट, तेरा कभी भी रिक्वेस्ट नहीं आता बेटा, तेरा कभी नहीं आता रिक्वेस्ट, तेरा हमेशा से ही है, और किसी का नहीं होता है, तेरा ही होता है। तुम लोगों को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ ना भाई, देख भाई तेरे को बहुत सुन, मैं तेरे को एक सिंपल आइडिया देता हूँ, तेरे को बहुत परेशानी होती ना, तो मेरे को तो बैंड ही कर देना चाहिए। करना बैंड कर, चाचा तुम्हारे गांड फाड़ देंगे। भाई साहब सलमान खान इकलौता सेलिब्रिटी है ना जिसे मीडिया चाह के भी बैन नहीं कर सकती, ये मीडिया बैन करेगा, निकल पकड़े, निकल कहली फुर्सत में निकल, ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं। मेरा सलमान और सनी मिक्स हो जाता, मैं क्या करूँ। बट अगेन मुझे काफी अमेजिंग लगा कि यार होना चाहिए, ठीक है एक मिनट, इंडियन मान लिया सेलिब्रिटी तुम्हारी नजरों में है, बट इंडियन वो भी इंसान है यार, अगर तुम उसको या उसके साथ वाले को तकलीफ दोगे तो उसे प्रॉब्लम होगी, तुम रास्ते के बीच में खड़े होके फोचो करोगे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो ये पर्सनैलिटी रखना ऐसे नहीं एटीट्यूड है, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं जिस मेरे टर्म में,
बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, फील फ्री टू लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मतलब ऐसे लोगों को देख के ना लगता है दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई, बट नहीं, एक मछली तालाब गंदा करती है और मेरे को लगता है बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हुए दुनिया में। और अच्छे लोगों का एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, कृति सैनन एंड वरुण धवन। एक रीजन है दोनों से इतनी पॉजिटिव वाइब आती है मुझे। एंड जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं पता मैं इनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो नेपाल में पढ़ने वाली एक 14 साल की लड़की थी, उसके क्लासमेट ने उस पर एसिड फेंक दिया सिर्फ इस वजह से कि वो स्मार्ट, वो एक्चुअली अच्छा स्कोर कर, ये रीजन है। और ये नेपाल की स्टोरी है, इंडिया में तो ऐसे केस होते रहते हैं। 14 साल के बच्चे यार, मैं फोटो नहीं दिखा रहा क्योंकि पहले वो माइनर है, दूसरी बहुत डिस्टर्बिंग फोटोज है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट जब उसे हॉस्पिटल लेके गए, रिकवर किया उसको, 14 साल के बच्चे अपना फेस वैसे खूनम खून देखेगी तो मैं लगता तुम होप खो दोगे लाइफ में यार। उसके साथ भी वही हुआ, और ऐसी होपलेस सिचुएशन पे उसे उम्मीद देने के लिए कृति सैनन ने उस लड़की से वीडियो चैट करी, वीडियो कॉल पे बात करी। और जब वरुण धवन को कृति ने बताया कि हाँ हम दोनों उसके फेवरेट स्टार हैं और वो कितना सैड फील कर रही है, वरुण धवन ने भी उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करी। तो ये वीडियो मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि कृति सैनन ने जो बात करी वो वीडियो कॉल थी और उसमें उस लड़की का चेहरा भी दिख रहा है। तो ना मैं चेहरा दिखाना चाहता हूँ और क्यों नहीं दिखा सकता वो तो मैं पता है। सो वरुण धवन ने ये बोला, हे मुस्कान कैसी हो आप, कृति ने मुझे आपके बारे में बताया और बस ये वीडियो मैं भेजना चाहता था आपके लिए ताकि मैं आपके साथ इन टच रहूँ और कहूँ आपको कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड बस कीप रेस्टिंग, कीप गेटिंग बेटर। आई एम श्योर आप बहुत जल्द बहुत हेल्दी होने वाले हो एंड यू विल बी बैक, एंड आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड स्टडी, चेस दैट पैशन ऑफ योर्स कि आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है मैंने सुना। सो प्लीज़ 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 गो बैक, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड and make your parents proud and you will get better soon। और जब आप थोड़ा तंदुरुस्त हो जाओ एंड हेल्दी हो जाओ प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप आके मुझसे मिले, वी कैन मीट होपफुली फेस टू फेस, और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। मुझे हमेशा लगता है ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम में खुशियाँ बांटने से खुशियाँ वापस तुम्हारे पास आती है। अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे ना तो हर साथ चाह के भी कभी बुरा नहीं हो सकता। और एक चैप्टर को पूरी बुक मत कहा करो, डू गुड मैन, अच्छा करो लोगों के लिए जितना हो सकता है, बी नाइस टू बी, सबसे बेसिक तुम यही कर सकते हो। ये स्टोरी नेपाल की इसलिए मैं कवर भी कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सबको पता है लव नेपाल वे टू मच, तो थोड़ा सा बुरा मुझे भी लगा है। सो आई होप लड़की बहुत जल्दी रिकवर करे और अगेन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और भी बेटर करे। और कृति सैनन एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगी? मजाक कर रहा हूँ बट हाँ सीरियसली आई लव यू टू। सो कृति सैनन एंड वरुण धवन, huge respect for you guys, I love you both। ये इंसानियत show off के लिए नहीं थी, बस उनके relatives को लगा ये share करने लायक story, उन्होंने किया और ये viral हो गई। So ये मत कहना कि हाँ show off के लिए किया इन दोनों ने, नेकी कर दरिया में डाल। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनका दिमाग में यही होता है, वरना इन दोनों को कोई जरूरत नहीं थी ये चीज़ करने की, बस एक छोटी सी smile देने के लिए, गम में किसी को मुस्कान देने के लिए। और fun fact उस लड़की का नाम मुस्कान है, उन्होंने अपने दिल से ये चीज़ करी थी। और मेरी ह्यूज रिस्पेक्ट है इन दोनों के लिए जो उन्होंने किया है, बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, फील फ्री टू लेट मी नो तुम क्या सोचते। और जहाँ मैं सेलिब्रिटी में अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ वहाँ पे हम पुलिस में भी अच्छे लोगों की बात कर सकते हैं। तो ये स्टोरी केरला से आ रही है जहाँ पे अपर्णा जो सीनियर सिविल ऑफिसर है पुलिस में है वो, और बहुत लंबे बाल थे उनके, और बहुत लंबे बालों की वजह से वो ज़्यादा फेमस थे, मतलब अपने अच्छे काम के चलते में और अच्छे नेचर के चलते में तो फेमस थी, बट अपने लंबे बालों के लिए भी काफी फेमस थी। और अभी उन्होंने अपने पूरे बाल काट दिए कैंसर पेशेंट को डोनेट करने के। ऐसा तब हुआ जब वो 5 साल के एक स्कूल स्टूडेंट से मिली जो कैंसर से बैटल कर रहा था, और सडनली उन्होंने अपने सारे बाल काट के डोनेट कर दिए। और आई नो कुछ हरामी लोगों को लग रहा होगा ये अटेंशन सीकिंग है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये चीज पता चली लोगों को ये वायरल हो गई, क्योंकि अगेन अमेजिंग चीज है ये, तो मीडिया पहुंच गई उनके पास। और उन्होंने अपने बयान में बोला कि जो मैंने किया ये नोटिस भी नहीं होना चाहिए था, मेरे बाल वापस उग जाएंगे 1 या 2 सालों में, पर असली हीरो वो हैं जो अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं जिनको जरूरत है उनके लिए। और चेहरे में क्या रखा है, जो तुम बोलते हो और जो तुम करते हो लोगों के लिए जिनको जरूरत है वो मैटर करता है, फिजिकल लुक मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली जो मैं पहले समझा रहा था, जब तुम लोगों के लिए अच्छा करोगे ना, शायद तुम रईस नहीं हो अंबानी की तरह, शायद तुम इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं मोदी जी की तरह, अमित शाह की तरह, या तुम इतने लेजेंडरी एक्टर नहीं अमिताभ बच्चन की तरह, शाहरुख खान की तरह, सलमान भाई की तरह, बट जब तुम अच्छा करते हो ना तुम्हारे अच्छे कामों के चलते में ही तुम अमर हो जाते हो। ट्रू स्टोरी ब्रो। और इस सीनियर ऑफिसर ने जो कर दिखाया ना
अपर्णा लवा कुमार नाम है इनका, ये न्यूज में भी आ गई है अब, और दिल से ग्रैंड सल्यूट है मेरा। मैं भी बाल करता बट ले देगी यही बचा है, मजाक करो बट सीरियसली ग्रैंड सल्यूट दिल से, मेहनत करो देश बदलेंगे हम लोग, अच्छा देश बनाएंगे। चल बे कहां मैं हूं, gary.com/shop लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो, ट्रू स्टोरी। क्योंकि इसी नोट पे गैरी टुमॉरो का ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल अगर तुम अच्छे इंसान हो, अगर तुम बुरे इंसान हो चेक आउट मैं हूं gary.com/shop लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon और Flipkart क्योंकि बिग बिलियन डे सेल आ रही है, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे यूज करो, दैट विल सपोर्ट मी दीज वीडियोस एंड दिस चैनल। ऑल्सो लास्ट चीज जो मैं बार बार भूल जा रहा था, हाँ आई नो अभी मैं सेकंड चैनल पे गेमिंग नहीं कर रहा, बट हमने ऑलरेडी 1300-1500 रुपये बना रखे हैं वहाँ पे, जो अगेन हम लोग इस बार डोनेट करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी एनजीओ की सजेशन है जो ऑनलाइन डोनेशन एक्सेप्ट करती है, लास्ट टाइम तुमने लोकल एनजीओ के नाम दिए थे जिनको मैं ऑनलाइन डोनेट नहीं कर सकता, प्लीज लेट मी नो। 1 तारीख आ रही है, समझो, समझ रहे हो? नहीं लो, क्योंकि मैं भी मिलता हूँ कल, तब तक के लिए क्या करूं मैं, छोड़ दो फिर काम धंधा। यार मैं ज्ञान पीलने वाला था बट नेट नहीं चल रहा।